नमस्कार, मैं हूं जिया मिश्रा और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। उत्तर प्रदेश के हापुड़ से बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जनपद थाना से हापुड़ देहात पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई। बताया जा रहा है कि पुलिस चेकिंग के दौरान बाइक सवार दो लोगों को रोक लिया गया। जब दोनों युवकों की तलाशी ली गई तो उनके पास दो तमंचे बरामद हुए। पुलिस द्वारा पूछताछ में मालूम हुआ कि दोनों ही एक शातिर चोर हैं और उनका एक गैंग भी है। पुलिस ने उनके द्वारा दी गई जानकारी से 7 बाइक, 2 तमंचे व कारतूस बरामद किया। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार दो युवक जिनका नाम वसीम व इकरार है, दोनों एक शातिर चोर हैं और इनके ऊपर 10 से अधिक चोरी के मुकदमे दर्ज हैं। यह भी बताया जा रहा है कि जो गाड़ियां चोरी होती थी उनकी कंडीशन अच्छी होती थी, जिन्हें ये आधे दामों में बेच देते थे, और जिनकी कंडीशन अच्छी नहीं होती थी गाड़ियों को किसी गाड़ी मैकेनिक से मिलकर उनके पार्ट को कटवा देते थे, उनके स्पेयर पार्ट दूसरी गाड़ियों में लगवा देते थे। ज्यादा जानकारी के लिए आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश से हमारे रिपोर्टर विकास रावत की यह रिपोर्ट। इसी तरह की और खबरों को देखने के लिए बने रहिए द खबरदार न्यूज के साथ। धन्यवाद। थाना हापुड़ देहात पुलिस के द्वारा चेकिंग की जा रही थी, उसी की चेकिंग के दौरान दो बाइक सवार युवकों को रोक लिया गया। पुलिस के द्वारा पूछताछ की गई और उसमें उन लोगों के पास से 7 बाइकें और बरामद की गई, और पुलिस उन लोगों के गैंग तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। राजधानी लखनऊ से विकास रावत। हापुड़ पुलिस द्वारा और उनकी क्राइम सेक्शन टीम द्वारा एक अच्छी बरामदगी की गई है। इसमें चोरी के कुल 7 वाहन और एक 8वां वाहन जो कि चोरी का है लेकिन वो कटा हुआ है, आधा कटा हुआ, तो 8 वाहन हम लोगों ने बरामद किए हैं। और ये सभी वाहन, ये जो 2 चोर इसमें गिरफ्तार किए गए हैं, एक घुमराले गाँव का है, वो थाना हाफिजपुर में है, और दूसरा हमारे क्षेत्र के सलाई गाँव, हापुड़ देहात थाना क्षेत्र के सलाई गाँव का है। ये दोनों अभियुक्त हिस्ट्री क्षेत्र हैं और काफ़ी लंबे समय से चोरियों में संलिप्त हैं। इन पर 10-10, 11-11 मुकदमे लगभग चोरी के हमें अभी तक प्राप्त हो चुके हैं और भी हम खोज रहे हैं। हम जनपदों में भी, हमें विश्वास है कि जनपदों में इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए हैं। इनके पीछे टीम बहुत लंबे समय से लगी हुई थी। ये बहुत मुश्किल से हाथ में आने वाले अभियुक्त हैं। इनकी गिरफ्तारी से पहले हमें सुनिश्चित करना था कि हम लोग और भी चीज़ें बरामद करने की स्थिति में रहें, तो उसी के इस लंबे अभियान के दौरान चलाई गई इस मुहिम में हमें सफलता प्राप्त हुई है और हापुड़ देहात पुलिस ने एक अच्छा काम किया है जिसमें इतनी सारी बरामद किया। सर, जिस तरीके से वाहन चुराते थे, वाहन चुराने के बाद क्या ये लोग नकली कागज बनाकर वाहन को बेचते थे? दोनों चीज़ें करते थे, ये गैंग दोनों काम करता है। ये मोस्टली अगर इसको गाड़ी अगर बहुत पुरानी है, कागज़ वगैरह नहीं मिल पाए हैं, तो इस गाड़ी को कटवा देते थे। अगर गाड़ी थोड़ी सी ठीक ठाक स्थिति में है तो उस गाड़ी को वो लोग किसी को सेकेंड हैंड में बेच दिया करते थे। तो दोनों पर्पस इनके सॉल्व होते थे। इनके कॉन्टैक्ट्स में कुछ जो मिस्त्री होते हैं, मैकेनिक्स भी इनके कॉन्टैक्ट्स में हैं, उन लोग तक भी हम पहुँचने की कोशिश करेंगे। और उनका यही मोडस ऑपरेंडी हुआ करता था, गाड़ियों के अंदर के पार्ट्स निकाल के उनको सस्ते में बेच दिया करना। तो वैसे कटने का यहाँ पे कोई फॉर्मल तरीका तो नहीं है इस ज़िले में, लेकिन फिर भी वो लोग मैकेनिक के थ्रू इसको खुलवा के एक एक पार्ट्स बिछवा दिया करते थे पुराने वाहनों के, और नए वाहन जो थोड़ी ठीक ठाक स्थिति में होते थे उन्हें सेकंड हैंड में गांव के लोगों को गुमराह करके बेच दिया करते थे।